महामारी सत्वे भारतीय अर्थनीतिर उत्साहजनक चित्र 2022-23 आर्थिक वर्ष रे 8-8.5% वृद्धि आकलन बजेट पूर्वर आज संसद में अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट उपस्थापित करिसंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण। रिपोर्ट रे भारतीय अर्थनीतिर आर्थिक विकास आमदानी रप्तानी मुद्रास्फीति निरंतर विकास कृषि और खाद्य प्रबंधन शिल्प भित्तिभूमि तथा सामाजिक भित्तिभूमि और रोजगार क्षेत्र में अर्थनीतिर उत्साहजनक आकलन कर 2021-22 आर्थिक वर्ष रे आर्थिक अभिवृद्धि हार 9.2% हो आकलन कर अभिवृद्धि आकलन पछरे व्यापक टीकाकरण जोगाण क्षेत्र में संस्कार रप्तानी में व्यापक वृद्धि मुख्य आधार। आगामी आर्थिक वर्ष रे बेसरकारी क्षेत्र में व्यापक पुंजनिवेश महामारी पीड़ित अर्थनीति को पुनर्जीवित करिवारे सहायक हेब। 2022-23 आर्थिक वर्ष रे जीडीपी 8-8.5% वृद्धि हो रिपोर्ट रे आकलन कर एवर्ष महामारी बड़ समस्या सृष्टि करना अवधारणा आधार रे यह अभिवृद्धि आकलन करदि मौसुमी ठिक रहा अंतराष्ट्रीय तैल दर स्थिर रहा धार्य लक्ष्य हासिल करकलन कर आकलन आधार रे वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं आईएमएफ वर्ल्ड इकोनोमी आउटलुक अभिवृद्धि आकलन आधार में प्रस्तुत कर आईएमएफ भारत को आसंता 2 आर्थिक वर्ष विश्वर सबुठ गतिशील अर्थनीति हो आकलन कर 135 कोटी लोकंर पछरे ढड़ा हवा जमी से घर चूली बंद हे ना तार प्रति दृष्टि देवा एवं हेल्थ इनफ्रास्ट्रक्चर करने सत्वे 8-8.5 ग्रोथ रेट प्राथमिक आकलन कराई से कृषि क्षेत्र में विपरीत परिस्थिति आम अभिवृद्धि 8-8.5% ग्रोथ कथा कहते खाली देखा बजेट रे केमी एस्टाब्लीश करेंगे केमी प्रूफ करेंगे ग्रोथ 8.5% रो ग्रोथ देखा ये सब पेपर ग्रोथ एथरे लोक मान पाक कि पहुँची मुझे भावनी काली बजेट पर स्पष्टीकरण हम कि कौन कि रणनीति कौन केमती ग्रोथ अचीव करे एवं 7% अच्छे इनफ्लेशन को टारगेट करा दरकार कि इनफ्लेशन के कमी तार गोटे रास्ता पेट्रोल डीजेल गैस पैसा कम करूँ चाषी मान इनकम डबल करने जो आप कर रोडमैप देख अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट में देशर कृषि क्षेत्र अभिवृद्धि को 3.9% आकलन कर खणि एवं विनिर्माण समेत शिल्प क्षेत्र में 8.2% और अन्न्य आनुषंगिक क्षेत्र में 11.8% अभिवृद्धि आकलन कर द्रव्य और सेवा उभयर रप्तानी में व्यापक अभिवृद्धि होवार आकलन अर्थनैतिक सर्वे हो कोरोनार प्रथम लहर तुलन में द्वितीय लहर में प्रभाव कम रहा एवं व्यापक टीकाकरण नागरिकों स्वास्थ्य सुरक्षा भारतीय अर्थनीतिर मजबूत आकलन को खोराक जगह समाज पछुआ वर्ग पर सरकार सुरक्षा जाल अर्थनीति को दीर्घस्थायी निरंतर विकास स्थिति को ने कारण अर्थनीतिर द्रुत अभिवृद्धि संभव हो पार आकलन कर विश्वर बड़ अर्थनीति कोरोनार ओमिक्रॉन वेरिएंट कारण बढ़ुवा मुद्रास्फीतिर कुप्रभाव भोगुवा बेले भारतीय अर्थनीति आह्वानर सामना कर आगामी आर्थिक वर्ष भल कर विश्व अर्थनीति निम्नगामी होगा सत्वे भारत में बड़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व प्रत्यक्ष विदेशी पुंजनिवेश क्रमवर्धिष्णु रप्तानी भारतीय अर्थनीति को सुरक्षा देव चलित आर्थिक वर्ष में भारत सरकारी वित्तीय स्थिति 2021 तुलन में सुदृढ़ हो 2020-21 महामारी परिस्थितिर सफल मुकाबला कारण 21-22 स्थिति में बड़ सुधार आकलन कर देशर रप्तानी आमदानी क्षेत्र में महामारी पूर्व स्थिति को आकलन कर पर्यटन शिल्प में व्यापक क्षति सत्वे सेवा क्षेत्र में आय कोविड पूर्व स्थिति को आसिबो मुद्रास्फीति 2020-21 6.6% थिबा बेले 2021-22 5.2% को खसिबा नै आकलन कर खाद्य द्रव्यर मुद्रास्फीति तलस्तर को खसी 2021-22 एप्रिल डिसेंबर में 2.9% पहुंची जितेबले कि पूर्व वर्ष यही समय 9.1% थिला देशरे आलु प्याज मूल्य नियंत्रण में रहिबा कारणरु खाद्य मुद्रास्फीति नियंत्रण को आसी टमाटो और अन्यान्य ऋतुकालीन सबुज परिवा मूल्य वर्षा और प्राकृतिक दुर्विपाक कारण तल उपर होगा मुद्रास्फीति को सामान्य प्रभावित कर महामारी कारण विश्वर शिल्प क्षेत्र समस्या रही बेले 21-22 भारत स्थित उन्नति आसी आत्मनिर्भर भारत अभियान व्यापक टीकाकरण और खाउटी मानक अधिक क्रय अर्थनीति को अधिक मजबूत आड़क नहीं
ଦେଶରେ 90 କୋଟି 75 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 65 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 93% ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବା ଓ ଏହି ବର୍ଷରେ 70% ଟିକା ଦିଆଯିବା ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 2014-15 ମସିହାର GDPର 6.2% ଖର୍ଚ୍ଚ 2021-22 ମସିହାର ସଦ୍ୟତମ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 8.6%ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।